एफकेट की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है और इसकी प्रिपरेशन आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे बट स्टिल आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि कैसे हमें मैक्सिमम स्कोर करना है इंग्लिश में सो एफ्ट वन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ये एक परफेक्ट रोड मैप आपके सामने जिसमें सबसे पहले हम लोग एक बार समझते हैं कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज़ योर इंडियन एयरफोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हंड्रेड पूछे जाएंगे इसमें देन मार्क्स होगा आपका थ्री हंड्रेड मार्क्स एग्जाम ड्यूरेशन होता है आपका दो घंटे टोटल सेक्शन आपको चार मिलेंगे अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इसके अलावा जो पॉजिटिव मार्किंग मतलब जो आप क्वेश्चन सही करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे चार मार्क्स और नेगेटिव हो जाएगा माइनस वन और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है ये बायलिंगुअल नहीं होता दैट इज इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर एफ कैट एग्जाम्स उसके अलावा हम लोग बात करते हैं ये हैं आपके चार सेक्शंस जिसमें पहला है इंग्लिश जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड योर न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स रीजनिंग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सेवेंटी फाइव मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी ट्वेंटी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स सो टोटल हंड्रेड क्वेश्चन थ्री हंड्रेड मार्क्स ये है पूरा क्राइटेरिया जिसमें जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा कैसे स्कोर किया जा सकता है तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इंग्लिश आपके तीन सेक्शन में डिवाइड हो जाता है दैट इज योर रीडिंग सेक्शन देन इज योर वोकैबलरी पार्ट एंड देन वी हैव द ग्रामर सेक्शन जब हम लोग ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जितना भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके अलावा जो आपका वॉइस है नरेशन है ये सारी चीजें इंक्लूड करती हैं वो में आपके सिनेम्स हो गया एंटनम्स हो गया वन वर्ड फ्रेजेस हो गया ठीक है उसके अलावा आपका मिस हो जाता है ये सारे क्वेश्चन आपके वोकेबरी से पूछे जाते हैं देन यू हैव द रीडिंग सेक्शन जिसमें आपका कॉम्प्रीहशन होता है पी की आर होता है एंड क्लोजनेस्ट होता है अब आपको इन तीन सेगमेंट्स को कैसे मैक्सिमम स्कोर के साथ थर्टी क्वेश्चन जब हम बात करते हैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वेरी कर सकता है तो सबसे ज्यादा ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो तो आपको सबसे पहले एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें स्केड्यूल में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपना टाइम का बाइफोकेशन वेर आपको डेली थर्टी मिनट्स रीडिंग को डिवोट करना पड़ेगा जब आप थर्टी मिनट्स रीडिंग को डिवोट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक एक कमांड है इंग्लिश के ऊपर ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है देन अपने आप को वोकेबरी का डेली टारगेट देना पड़ेगा कि टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स हमें डेली वोकेबरी की करनी है और आपको उसके लिए एक रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा जिसमें उस रजिस्टर में आप नोट डाउन करते चलो वर्ड्स राइट right? और बाई द एंड ऑफ द वीक सैटरडे संडे उठाओ उसका रिविजन क्योंकि रिविजन इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू कि आपको रिवाइज करना है देन अगर आप कहीं से क्लासेस ले रहे हैं वेल एंड गुड अदरवाइज ग्रामर पोर्शन भी आप रीडिंग से ही कवर कर सकते हैं बट अगर आपको लगता है कि अब हमें बेसिक से स्टार्ट करना है क्योंकि अभी भी फेबररी है अक्टूबर इज गोइंग ऑन नवंबर दिसंबर जनवरी थ्री मंथ्स यू हैव तो सबसे पहले ग्रामर में ना बेसिक से स्टार्ट करो एक टॉपिक का बेसिक्स उठाया उसका कॉन्सेप्ट समझा कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए जैसा कि हमारी बुक में दिए गए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बाद आपने उससे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन किए मतलब एक टॉपिक को आपको दो से तीन दिन डिवोट करना पड़ जाएगा तो आपको ऐसे कर करके अपना टाइम क्या करना है सेग्रीगेट करना है राइट इज सी एवरीबडी हैज़ ट्वेंटी फोर आवर्स अब इट डिपेंड्स कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो ग्रामर कंप्लीट होती चलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है खुद से पढ़ रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अदरवाइज़ जैसे कि हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी सी डी एस एफ कैट्स सी ए पी एफ के लिए आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग बना

कि आपको वो में कैसे करना है वो में आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो सिननम से बनते हैं एंडम से, है, से बनते हैं इडियम्स एंड फ्रेज़ेस से बनते हैं राइट मिस से बनते हैं एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से बनते हैं और इसके अलावा भी एस वन एस और बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो मैच ऑफ द फॉलोइंग के टॉर्म में हो सकती है आई वुड स्ट्रॉली रिकमेंड दिस बुकन अगर आप इस बुक को परचेज कर लेते हैं तो आपकी वोकेबरी का जितना भी मतलब एक जो टेरर है वो दूर हो जाएगा क्योंकि इस बुक में आपको बहुत ही ईजिली वर्ड्स एक्सप्लेन है और सेंडेम्स एंडम्स के साथ आगे आपको वर्ड आइडेंटिफिकेशन हर एक चीज़ मैंशन मिल जाएगी राइट तो टेन वर्ड्स डेली का आपका टारगेट होना चाहिए और आपको निमोनिक से करना है मतलब उसका रिलेशन निकालना है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वर्ड उठाते हैं एबेशन ठीक है हो सकता है आप उस वर्ड की मीनिंग ना जानते हो लेकिन अगर हम इसको रिलेट कर दे, अर, अर मतलब होता है गलती करना। गलती करेगा, तो वो गलत रास्ते में और इसके तरीके से आप वोबरी को जब बार बार रिवाइज करते हो तो बिल्कुल भूलने की तो कोई चांस ही नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम दैट ये था आपका वोकैबरी ग्रामर एंड रीडिंग के लिए ऑलरेडी यू 25 टू 30 मिनट्स आपको डिवोट करना पड़ेगा एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको आपका टाइम स्केड्यूल ऐसा करना पड़ेगा कि एक दिन आपने कॉम्प्रिहेंशन उठाया एक दिन रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स उठाए और एक दिन आपने क्लोज टेस्ट उठाया दो कॉम्प्रिहेंशन कर लिए पांच रीअरेंजमेंट कर लिया दो क्लोज टेस्ट कर लिया तो जब आप ऐसे करके अपना टाइम सेग्रीगेट कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली पूरी इंग्लिश कवर होती चली जाएगी एंड इफ यू डोंट वांट टू पुट इन सो मच ऑल ऑफ एफर्ट्स आल्सो तो फिर तो उसके लिए सीधा सीधा मेजर कल्चरी क्लासेज है राइट right? आप ज्वाइन करिए उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं नाइन सिक्स नाइन सिक्स डबल थ्री डबल जीरो डबल थ्री पे फॉर एनी फर्दर अपडेट्स एंड वी मेक श्योर कि आप बेस्ट रिजल्ट्स दें जय हिंद